वो लोग ऐसे थे जो दिलों में बस गए, कुछ झुग्गियों में बस गए, कुछ झुरमुटों में बस गए। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, वो लोग आज क्या सोचते होंगे, हम लोग आज क्या करते हैं। आज स्थितियाँ ऐसी हैं कि कभी सलमान की बॉडी तो कभी धोनी के बालों पे मर गए, कभी सलमान की बॉडी तो कभी धोनी के बालों पे मर गए, कभी फैशन तो कभी चालों तो कभी गालों पे मर गए। कहीं होंगे अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो वो भी क्या सोचते होंगे, हम भी किन अभावों के लिए मर गए, हम भी किन अभावों के लिए मर गए। इसलिए आज वो चर्चा, आज वो स्थिति, आज वो सोच अपने दिल में कायम रखना होगा। और इसी सोच को कायम रखते हुए दिनकर जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सच है विपत्ति जब आती है वो कायर को ही दहलाती है। कहते हैं बंधुओं, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर तो मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। इसलिए दिनकर जी ने लिखा है, मैं रोकना नहीं चाह पा रहा हूँ अपने आप को। दिनकर जी ने कहा है, हमारे प्रेरणा स्रोत आज कभी जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन आज उन्हें याद करके ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे बीच ही मौजूद हो। और उन्होंने कहा है दिनकर जी ने कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमान ही विचलित होते, सुरमान ही विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हाय कौन विघ्न ऐसा जग में, हाय कौन विघ्न ऐसा जग में जो